तू मुझे मान तो धन दे दूंगा, वो भगवान नहीं। भगवान का मतलब होता है भगवा पाली में वान, जैसे धनवान, धन के पहले वान लिखा है कि नहीं, वान शब्द लगा है कि नहीं, प्रत्यय लगा है कि नहीं, वान, गाड़ीवान, धनवान, श्रेष्ठवान, गुणवान, वैसे भग और उसमें प्रत्यय क्या है, वान लगा है, तो क्या हो गया, भग। आप लोग पढ़े लिखे इसलिए मैं आपको अपने भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो भगवान, तो भगवान आप प्रश्न उठता कि भगवान किसको बोलेंगे, नहीं उठता है। आज जो भगवान का कंसेप्ट है बिगड़ चुका है पूरी तरह से, एकदम गुंडागर्दी पे उतर आया है भगवान। त्रिशूल लिए भांगा गांजा पियो, दारू पियो, महिलाएं जो है व्रत रहेंगी, कहे कि अभी ये त्योहार गया उसमें व्रत रहेंगी, गांजा भांगा पियेंगी। अगर दारू वाला आदमी मिल जाए तो नहीं चलेगा, मगर व्रत किसकी करेंगी, उसी भांग दारू वाले का। सही है गलत है, हा? तो वो भगवान का कंसेप्ट नहीं है। भगवान का मतलब होता है जिसने भग रागो, भग दोषो, भग मोहो, इति पिसो भगवा। जिन्होंने भग रागो अपने राग को टू डिस्ट्रॉय खत्म कर दिया है, भग रागो, भग अपने द्वेष को खत्म कर दिया, अपनी अज्ञानता को खत्म कर दिया, जितने मानव के मानवीय गुण है उन्होंने क्या किया, उसका विकास किया। और जो अकुशल कर्म है, खराब विचार है, जिसका हमारा जो है व्यक्तित्व पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे हम दीनहीन हो जाते हैं, समाज में मुंह नहीं दिखाते, उन सब चीजों को, बुराइयों को जिन्होंने क्या कर दिया, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया है, समझ रहे हैं क्या, तो उनको बोलते हैं भगवान। बुद्ध को क्यों लोग सब पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने मानव के मानवीय जीवन का असीम विकास किया ना, एकदम उच्चतम विकास किया, इसलिए तो उनको भगवान बुद्ध बोलते हैं। इस मान में नमो तस्य भगवतो, इस अर्थ में भगवान हम लोग बोलते हैं। वो भगवान नहीं कि उनके नाम से व्रत रखो, उनके नाम से प्रसाद चढ़ाओ, उनके नाम से सब कुछ करो, वो भगवान नहीं। उन्होंने क्या बोलते हैं कि मैंने जैसे जीवन जिया है या मेरे बताए हुए मध्यम मार्ग पे चलो, वो व्रत की बात नहीं करते, चढ़ावे की बात नहीं करते, भूख की बात नहीं करते, किसी को हिंसा तकलीफ की बात नहीं करते हैं, करते हैं क्या बुद्धिजम में, नहीं ना। उस अर्थ में नमो तस्य भगवतो अरहतो, अरहतो मतलब कैसा, अरहत, अरि मतलब दो शब्द से बना है, पाली शब्द है, अर अरहतो, अरि मतलब होता है दुश्मन, हतो मतलब होता, बोलता हतो मतलब देहाती भाषा में हम लोग बोलते हत कर देना, हत्या कर देना, जिन्होंने अपने दुश्मनों के हत्या कर दिया, खत्म कर दिया है, उसको अरहत बोलता। प्रश्न उठता है कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दुश्मन और कोई नहीं है, हमारी जो दुश्मन सबसे बड़ी अधिक इंसान की दुश्मन है वो है उसकी अज्ञानता, सत्य को सत्य के रूप में नहीं जानता है इंसान, नहीं जानता कि मुझे व्रत से कुछ नहीं मिलेगा। हजारों साल से हमारे पुरखे व्रत कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर हमारे लोग बनाते हैं, पुजारी कोई और बनता है, नहीं बनता है, अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है ना, नहीं मंदिर हम बनाए, ईटा हम बनाए, ईटा हम जोड़े, मगर हाँ फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, ये अज्ञानता की कारण है ना। जिन्होंने अपने क्या और अपने दुश्मनों का क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है, तो हमारे दुश्मन क्या है, हमारे अकुशल विचार ही तो है, हमारे अकुशल सोच ही तो है। तो जिन्होंने अपनी सोच को बदल दिया है, अपने विचार को, जो जो खराब विचार थे, समझ रहे, जो हमें नुकसान करते उन विचारों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, उस माने में क्या हो गया, अरहत हो गया। उसे पाली के अनुसार, दर्शन के अनुसार इंसान के 10 जो है बंधन होते हैं, कौन से, क्रोध, लोभ, मोह, मद, गुस्सा, मान, अभिमान, सत्काय, दिट्ठी, विचि, किस्सा, सील, बद, परामर्श, इस तरह से 10 होते, जिन्होंने उनका क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। अरहतो शम्मा शम्बुद्ध, जो पूर्ण रूप से बुद्ध है, ऐसे ऐसे बुद्ध को मैं क्या कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ कि बुद्ध, अच्छा बुद्ध के भी लेकर के बहुत सारा भ्रम है, बुद्ध एक डिग्री, एक चित्त की अवस्था है, आप भी बुद्ध बन सकते हैं, मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ, कोई भी बुद्ध बन सकता है, इसमें जाति से, गोत्र से, धर्म से, काला से, पीला से कोई लेना देना नहीं है, ये चित्त की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, उच्चतम अवस्था है, समझ गए, उस मतलब कैसे मैं बुद्ध, मतलब क्या, बुद्धि, सत्य, ज्ञान, सत्य के शरण जा रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नहीं। Hello? ऐसा होता था किसी व्यक्ति के शरण जाना था, सिर्फ बुद्ध का नाम क्या था, जगह राजकुमार थे, क्या नाम था उनका, सिद्धार्थ, जैसे पता है ना, सिद्धार्थ शरणम गच्छामि, उन्होंने सिद्धार्थ शरणम गच्छामि बोला,
जो बोधि सत्य, जिसे बाबा साहब के नाम के आगे क्या लगाया जाता है, बोधि सत्य बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बोधि मतलब क्या, जिन्होंने ज्ञान को समझ लिया है उसको बोलते बोधि सत्य। ऐसा इंसान जिसके अंदर ज्ञान है, ऐसा प्राणी, ऐसा इंसान जिसके अंदर ज्ञान है, जब वो तो ये भी ज्ञान के ही इंसान थे, जानते हो बोधि सत्य। बोधि से सत्य से क्या है, जब बुद्ध हुए तो जो जब बुद्ध हुए ना वो पूर्ण रूप से बुद्ध, इसलिए इनको क्या बोलते सम्यक संबुद्ध, ठीक है। तो ये हमने बोला, कोई इसमें कर्मकांड लगा क्या आपको? नहीं ना। फिर हमने तीन बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध मतलब क्या बताया उसका मीनिंग, जो सत्य है मैं सत्य की शरण जा रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नहीं, मंदिर का नहीं, किसी धर्म का नहीं, सत्य का शरण, जो बाबा साहब ने मुझे मार्ग दिखाया जो इन कर्मकांडों से दूर है, मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूँ। दूसरा बुद्ध के बताए हुए मध्यम मार्ग है, धर्म की शरण जा रहा हूँ। तीसरा संघ मतलब होता है समूह, कौन से संघ, चार प्रकार के संघ है, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, ये चार समूह है, ठीक है। तो ये इसमें आप लोग कौन है, उपासक है, मैं कौन हूँ, भंते जी हूँ ना, वो माता जी कौन है, उपासिका संघ है, यहाँ तो भिक्षुनी नहीं है। तो ये जो चार समूह, उनके जो सत्य बताए हुए बुद्ध के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, उनके संघ है, ये भी कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, ये कैसे कलेक्टिव सामूहिक नाम है संघ, संघ में आप सभी लोग आ रहे हैं जो जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमने तीन बार कहा, बुद्धिज्म में एक ऐसी प्रथा है, भगवान बुद्ध के दर्शन में शुरू से चली आ रही, कोई चीज बोला जाता है ना तो तीन बार बोला जाता है, तीन बार। आप लोग गांव में देखा भी ना, तीन बार करते हैं, सही है, सही है, हाँ सही है ना, मतलब एकदम तिख तिखरा करते। यहाँ भी कैसे तीन बार बोला गया कि हाँ ऐसा ही है, तीन बार, तीन बार, तीन। उसके बाद देखिए बुद्धिज्म में जब, उसके बाद हमने पांच सील दिए, पांच सील मतलब पांच सिद्धांत, जो जीवन के उच्चतम सिद्धांत है, जिससे मनुष्य क्या होता है, उच्च श्रेष्ठ बनता है, मनुष्य क्या बनता है, उच्च कोटि का बनता है। बुद्ध क्या बोलते, ना कोई जन्म से शूद्र होता है और ना कोई शुद्ध जन्म से ब्राह्मण होता है, समझ गए। इंसान कर्म से ही श्रेष्ठ होता है, आदमी इंसान जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, किससे श्रेष्ठ होता है, कर्म से श्रेष्ठ होता है ना। तो कौन से पांच सिद्धांत है जिससे इंसान जन्म से श्रेष्ठ होता है, तो कुछ तो सिद्धांत होंगे, उसका कुछ तो मापदंड होगा, समझ गए। हम कपड़ा पहन लिए तो हम बहुत श्रेष्ठ हो गए, चंदन लगा लिए तो बहुत श्रेष्ठ हो गए, ऐसा है क्या? मेन तो हमारा कर्म है ना। इंसान कैसे अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है, जब जन्म से, इंसान जब जन्म से श्रेष्ठ होता है, कर्म से इंसान जन्म से नहीं श्रेष्ठ होता है कि अरे हल्ला उल्ला मत करो, डिस्टर्ब करो, इंसान किससे श्रेष्ठ होता है, कर्म से, जन्म से नहीं, जन्मज श्रेष्ठ नहीं, किससे, कर्मज, कुछ अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। अगर इंसान जब कर्म से श्रेष्ठ होता है तो कैसे होता है, उसको मापदंड कैसे करेंगे कि हाँ ये श्रेष्ठ है और ये कैसे अश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में कैसे डिफरेंट करेंगे। तो बुद्ध ने इसीलिए अच्छे, हमारे किसी के सर पे नहीं लिखा है कि मैं अच्छा हूँ, कपड़ा पहन लिया हो तो नहीं भी अच्छा हूँ, हो सकता है मैं चोर छुपा हूँ कपड़े के वेश में, और हम लोग हजारों साल से ऐसे ठगे भी जा रहे हैं इन सब चीजों को लेकर के, है कि नहीं, है ना। तो कैसे अच्छा, कैसे अच्छा है, कैसे बुरा है, हमको कैसे पता, अच्छा और बुरा करने के लिए बुद्ध ने पांच बातें बताई, पांच सिद्धांत जिसे बोलते हैं पंचशील। पहला हमने क्या बोला, पानाति पाता वेद मनि सिक्खा पदम समाद्यामि, मैं किसी का हिंसा नहीं करूंगा, है ना। ये सब जैसे है, जैसे हमारा जीवन है वैसे दूसरे का भी तो जीवन है कि नहीं। हम क्या करते हैं, अपने जीव के स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, हिंसा कर देते हैं उसे। पानाति पाता का पाली में सही अर्थ है पानाति, यानी किसी को पकड़ करके, समझ रहे हैं, किसी को पकड़ करके जो हत्या नहीं होती है उसको पानाति पाता बोलते हैं। इसलिए हमारे लोग जानते हैं क्या, मार करके नहीं खाते हैं, मरे हुए मांस खाते थे, आपको पता है कि नहीं ये बातें, हमारे लोग मार करके कभी नहीं खाया, जो मरे हुए जानवर होते थे उनका मांस खाते थे, सही माने में बुद्धिस्ट थे हम लोग। आज हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी देखो तीन प्रकार का संस्कृति होती है,
शब्द संस्कृत शब्द अशब्द सुशब्द, हम लोग सुशब्द संस्कृत के जानने वाले लोग मानने वाले लोग थे, यानी श्रवण संस्कृत के मानने वाले लोग थे। हमारा पतन हुआ, दबाए गए, कुचले गए, तो जितने बौद्ध लोग हैं, जितने कट्टर से बौद्ध धर्म को मानते थे हम लोग, जितने कट्टर थे, जितने इन पांच शीलों को मानते थे, उतना हमें उतनी नीचे कटघरी में रखा गया, समझ रहे हैं? जितने नीचे, मतलब हम बुद्ध को जितने अच्छे से मानते थे, जितने कट्टर बुद्धिस्ट थे, भगवान बुद्ध के विचार चलते, उतना धर के ऐसे मुझे नीचे धर के दाबा गया कि ये मतलब हमारे ये क्या है, अलग है हमसे। तो हम लोग तो मारा मांस खाते थे जानवरों का, जिंदा नहीं मारते थे। तो उसमें क्या, किसी को पकड़ करके मारना नहीं है, किसी की हत्या नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना है, तीसरा व्यभिचार नहीं करना, मतलब व्यभिचार नहीं करना स्त्री या पुरुष का जान करके, चौथा मूसावादा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, व्यर्थ की बातें नहीं करना है, और पांचवा क्या, सूरा मेर मज्जप मदठाना वीर मानी, ठीक है, इसको नहीं करना है। अब आपको मैं एक छोटी सी और बात बताता हूँ। शुरू में चार ही सील थे, पांचवा सील भगवान बुद्ध के धर्म में बाद में आया, क्योंकि आपसे मैं पूछ रहा हूँ दारू पीने के बाद क्या चाहिए। अगर पांचवा सील आप पालन करते हो तो चार सील ऑटोमेटिक पालन हो जाएंगे। दारू पीने के बाद क्या होता है, क्या चाहिए, मांस चाहिए कि नहीं, मुर्गा बकरा चाहिए कि नहीं चाहिए, आ? दारू पीने के बाद मांस चाहिए। अगर दारू पीने के बाद मांस कहाँ से आएगा, चोरी करेंगे, जब हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहेगा, हमारे बस में नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे, किसी महिला पे आसक्त होंगे, उसका व्यभिचार करेंगे, उसकी बुरी नीयत से देखेंगे, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा, और उसके बाद आप भी देखते होंगे दारू पीने के बाद फिर क्या होता है, चौथा सीन है झूठ बोलेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, नाली में गिर जाएंगे, गिरने के बाद क्या करेंगे, व्यर्थ की बर्बर बातें करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। तो यानी पांचवा सी, अच्छा सबसे बड़ी चीज है, एक कहानी से आपको इसको समझिए आप लोग, मैं अच्छी कहानी बोल बताता हूँ। एक बार एक आदमी था, तो वो जानते हैं क्या, पैसा लिया 100 रुपए और एक दारू के दुकान पे गया, और दारू के दुकान जाने के बाद जहाँ दारू बिकती है तो वाइन शॉप हो गया है, इंग्लिश वाइन शॉप हो गया है, छोटे छोटे जो है दुकान था, जिसमें ऐसे पैसा डालो और उधर से पौधा ले खींच लो। तो जैसे ही वो उसने खिड़की में हाथ डाला बड़े जोश में, जानते हैं दारू पीने से पहले, दारू जब लेने जाता है ना, उसको भी बहुत जोश होता है, और बड़ा जोश में उसने ऐसे खिड़की में हाथ डाला तो उसका हाथ यहाँ से क्या हो गया, छिला गया, बड़े तेज से चिल्लाया उसने कि तुझको दिखाई नहीं देता है कि तुम इतनी बड़ी खिड़की जो है छोटी सी रखा है अपनी दारू की दुकान पे, जिससे मेरा हाथ छिल गया। दारू वाला जो था, दारू जरूर की मजदूरी में किसी की नौकरी करता था अपने आजीविका के लिए, बार आप बनते लोग आपके गांव में आए हैं ना, पहली बार आए हैं ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि पहले आप लोगों को ना अच्छी धर्म की बातें ही बताऊंगी, आप तक सही मार्ग पर चलने वाले युवक लोग हैं। तो वो क्या किया, दारू जो है ना, हेलो, तो क्या किया, उसने हाथ उसका पूरा छिला गया, खून बने, बड़े तेज से उस चिल्लाया कि ये कैसे किए तुमने, मेरा हाथ छिला गया, तुम थोड़ा खिड़की बड़ा नहीं बना सकते। तो जो बेचने वाला था बहुत समझदार था, उसने बहुत अच्छी बात बोला दारू पीने वाले को, बोला भाई इस खेत, इस जो खिड़की, इसको इतना तो छोटा मत समझ, इस खिड़की से ना जाने कितने लोगों को घर बिक गए, खेत बिक गए, ट्रैक्टर बिक गए, यहाँ तक कि मान सम्मान समाज में बिक गया, इससे भी नहीं बचाना, उसके बेटे बेटी शिक्षा से वंचित रह गए, पत्नी भूखे मर गई,
जितने भी उसके अविनाश के कारण है, पतन के कारण है, वो कहाँ से होते हैं? इन खिड़कियों, इस खिड़कियों से होते हैं, इन्हीं खिड़कियों। और उसको भी तुम बोल रहा है छोटा है। तो जो दारू जो है पीने वाला था उसकी बत्ती चल गई, उसने बोला कि नहीं बात तो सही कह रहा है और सही कह भी रहा है। आज देखो ना वर्तमान समाज में इसको जोड़ करके देखिए, क्या अपने अपने समाज में 100 रुपए कमाएंगे तो क्या सब 50 रुपए की दारू नहीं पीते? आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछा पीते हैं कि नहीं पीते हैं? सब पियक्कड़, सबसे ज्यादा पियक्कड़ होते थे हमारे लोगों में। जो दारू का ठेका चलता है हमारे ही लोगों की वजह से चलता है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं मेरी बात से? हाँ, और 100 कमाएंगे तो 50 दारू में। और सच सच वर्तमान में इस बात को सच आप अंगीकार करके देखिए, हमारे जो बच्चे हैं ना सरकारी स्कूल में जाते, उनको अच्छी स्कूल नहीं मिलता, उनको अच्छा कपड़े नहीं मिलता, अच्छा उनको भोजन नहीं मिलता। क्यों आप बताइए क्यों नहीं मिलता? उसका पीछे कहीं ना कहीं दारू है कि नहीं है? है ना? क्या हमारे जब अवसर मिला है, क्या हम लोग किसी के टैलेंट, किसी भी लोगों से क्या टैलेंट में कम है? क्या प्रतिभा में किसी से कम है? क्या हमें सबसे बड़ा जानते हैं क्या? अवसर नहीं मिलता है। अवसर मिलता भी है ना, हमें वैसा सिचुएशन नहीं मिलता है, क्योंकि पिताजी दारू पी रहे हैं, उनको इतना पता ही नहीं है। हाँ, मांस खा रहे हैं, आलस में पड़े हैं, गाली दे रहा है, कोई भी दारू पीने के बाद गाली दे रहा था, हम लोग पिटा भी रहे हैं। अपना पूरा का पूरा जो स्वाभिमान है ना, हम लोगों ने बींच के रख दिया है। किसके कारण? एक लत के कारण, एक गलत आचरण के कारण। इसीलिए बुद्धि ने जानते क्या बोला कि जानते हैं क्या, ये जो है ना दारू क्या है, सभी अन्याय और अत्याचार की जननी है। जानते हैं क्या, भूल से भी जिस घर में दारू सम्मान पाती है, जानते हैं क्या, जिस घर में दारू सम्मान पाती है वहां जानते हैं क्या दुख के बादल मंडराते हैं। जिस घर में जानते हैं, आप देख लीजिए, जिस घर में दारू पीने वाले लोग हैं वहां दुख के बादल नहीं मंडराते, वहां खुशी होती है क्या? खुशी होती है? खुशी नहीं होती, वहां दुख के बादल मंडराते हैं। बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है, पत्नी बेचारी जो है मार खाती है, ठीक है, दुख के बादल मंडराते। वहाँ सब लोग ये अशिक्षित होते हैं, वहाँ कैसे कलह और दुख होता है। इसलिए कभी भी जानते हैं क्या, इससे दोस्ती नहीं करना, बहुत खतरनाक दारू है। बुद्ध ने इसको शिक्षा में, अपने लास्ट में इसको शिक्षा में जोड़ा कि नहीं ये कैसा है, गलत है, ये चारों शीलों को हमारा क्या करती है, तोड़ देती है। आज हमको जानते हैं क्या बाबा साहब, हम अपनी संस्कृति को, अपनी जो सुसंस्कृत थी उसको भूल करके कहाँ चले गए थे, असभ्य संस्कृत में चले गए, जो हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी विचारधारा नहीं है, हमारे पोषक लोग नहीं है, हम अपने पिताजी हमारी ये, हम इनको पिताजी नहीं कह रहे हैं, हम पिताजी किसको कह रहे हैं, पड़ोसी का बाप को बाप कह रहे थे। दोगले हम है, दोगले वो है, आप बताइए, दोगले हम है ना, हम अपने आप को दोगला कर रहे हैं कि पड़ोसी को बाप को हम जबरदस्ती दोगला कर रहे हैं, और हमारे बुजुर्ग हमारे घर में ही बैठा है, हमारे साथ ठीक वैसे ही हम कर रहे हैं। तो हमारी जो सुसभ्य संस्कृति थी वो क्या थी, यही बौद्ध धर्म थी, श्रवण संस्कृति थी, भगवान बुद्ध के का जो विचार था। बाद में जब बाबा साहब पढ़े, बाबा साहब ने जाना, बाबा साहब ने इस बात को अनुभव किया कि बिना भगवान बुद्ध के विचारों पर चले हुए हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोले, शिक्षित बनो। शिक्षित मतलब ज्ञान ना, मतलब शिक्षा मतलब ज्ञान ना, मतलब क्या, बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक, जो हमने पहले बोला है ना। शिक्षा मतलब क्या, बुद्ध ने क्या बोला, पहले क्या बोले कि हमारे समाज के लोग, हमारे अनुयायी सबसे पहले क्या हो, शिक्षित हो, मतलब क्या, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध मतलब भी तो ज्ञान होता है, सत्य होता है, शिक्षा तो ही तो जो है ज्ञान प्राप्त, ज्ञान मिलेगा। हाँ, शिक्षा तो शेरनी की दूध है। आज मैं शिक्षा की वजह से ही आप सबके बात बता रहा हूँ ना, मैं शिक्षा मेरे पास नहीं होती तो आपके पास आता क्या, आप मेरी बात सुनते क्या? लोग अपने बाप का नहीं सुनते, हमारी कैसे सुनेंगे? हाँ, दूसरा बाबा साहब ने क्या बोला, शिक्षित बनो। दूसरा क्या बोले, संगठित हो, बोले ना, संगठित हो, मतलब कैसा, धम्मं शरणं गच्छामि। जिन सूत्रों को बुद्ध ने दिया था, 3 सूत्र, बुद्ध धम्म संघ, बाबा साहब ने आधुनिक समय में
उसी सूत्र को बाबा साहब ने आधुनिक समय में समाज में कैसे इंप्लीमेंट किया, कैसे लागू किया ना, धम्मं शरणं गच्छामि मतलब संगठित हो। और तीसरा बुद्ध ने सूत्र क्या दिया था, संघम शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने क्या कहा, संघ मतलब समूह। बाबा साहब क्या किया, संघर्ष करो, बोला कि नहीं, बोला ना, संघर्ष करो। संघर्ष मतलब क्या, कैसे संघर्ष करेंगे, भारत बंद कर देंगे हो गया संघर्ष, किसी को जाकर गाली गलौज कर देंगे होगा संघर्ष, उसको संघर्ष बोलते हैं क्या। संघर्ष का सही मीनिंग भी तो हमको जानना है कि संघर्ष किस चीजों में करना है। संघर्ष जानते क्या करना है हमें, हम हजारों सालों से मंदिर के लिए लड़े, बाबा साहब भी नासिक के कालाराम मंदिर में, इसलिए बाबा साहब ने उसका नाम क्या रखा, राम कैसा है, काला राम है, वो काला राम है, काला पत्थर से बना वो राम है, पत्थर है, काला राम है। काला राम मंदिर में क्या किया, संघर्ष किया कि मुझे मंदिर में प्रवेश दिया जाए, नहीं दिया, लोगों ने पत्थर मारा, तो उन्होंने देखा कि नहीं, बाबा साहब की जरूरत नहीं थी वहां मंदिर में जाने की, वो सत्य को जानते थे, मगर हम सबको ये बताना चाहते कि तुम्हारा जो है ना मंदिर के लिए संघर्ष नहीं करना है, हमको संघर्ष किसके लिए करना है, शिक्षा के लिए संघर्ष करना है। हमें इसके लिए संघर्ष करना है। बाबा साहब मंदिर में नहीं गए, बाबा साहब कहाँ गए, कोलंबिया के लाइब्रेरी में गए और विश्व के सबसे बेहतरीन संविधान बना के दिए भारत को, जो कि युगों युगों तक, ये जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक, जब तक सूर्य और चांद रहेगा तब तक बाबा साहब जैसे इस धरती पे, भारत की धरती पे चंद्रमा या सूर्य की भांति वो विद्यमान रहेंगे, प्रकाशमान रहे। क्यों, इतनी बेहतरीन उन्होंने इस देश का संविधान दिया जिसमें समता स्वतंत्रता और बंधुता पे आधारित है। किसके लिए, उसके लिए संघर्ष करना है, मंदिर के लिए नहीं। हमारे यंग मेरे भाई लोग हैं, सब ज्यादातर लोग ग्रेजुएट है, मारपीट करेंगे, लिखा जाएगा FIR और हम क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, हम ना ही बैंक की नौकरी कर सकते, नहीं रेलवे की नौकरी नहीं कर सकते, नहीं पुलिस की नहीं नौकरी कर सकते। सिर्फ आवारा गर्दी नहीं करना है, हमें क्या करना है, लाइब्रेरी में जाना है, मंदिर में नहीं, हमें लाइब्रेरी में जाना है। हमें किताबों से दोस्ती करना है, हमें पूजा नहीं करनी है पत्थर की, हमें किताबों की पूजा करनी है, किताबों को जानना है, हमें किताबों को जानना है। और साथ साथ में हमारे, हम महाराष्ट्र में जब जब बहुत सालों तक रहा, मैं BA MA PhD जितना है सब वहीं किया, देखा तो मोहल्ले मोहल्ले में लाइब्रेरियां है, वहां पे मोहल्ले मोहल्ले में लाइब्रेरी है, वहां पे हमारे यहाँ क्या है, मोहल्ले में क्या है, मंदिर है कि नहीं है। हमारे लोग व्रत कर रहे हैं, वहां के लोग व्रत नहीं करते हैं। हमारे मतलब लाइब्रेरी नहीं, आपके बताओ इतने बड़ा 900 वोट है, कितना बड़ा मूल्य है हम लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को, हम लोग बुद्धिस्ट ही है ना, आज अपनी औकात भूल गए हैं, हम भेड़ की भांति हो गए। जैसे एक कहावत नहीं है, एक जो है शेर था, शेर जो है, शेर के झुंड में कुछ छोटे शेर भी था, एक छोटा शेर का बच्चा था, उसने जो है किसी तरह जो है अपने जो गोल था उसका झुंड था भेड़िए का, भेड़ मतलब वो शेर का, वो अपने झुंड से अलग होकर किसी तरह कहाँ आ गया, किसी कारण बस भेड़ियों के जो है झुंड में आ गया। बचपन से लेकर के बड़ा होने तक कहाँ रहा, वो भेड़ और बकरियों के झुंड में रहा। शेर हो करके भी वो कैसे बोलता था, भेड़ियों जैसे आवाज निकालता था, भेड़ जैसे आवाज निकलता था, बकरी जैसे आवाज निकालता था, अपने आप को पहचान नहीं पाता था कि जो है मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं शेर हूँ, वो भेड़ी बकरियों और भेड़ियों के साथ में भेड़ी जैसे मैं करने लगता था। तो कहीं वो भेड़ बकरियों के साथ में पानी पीने गया था, और कहीं दूर से कोई एक शेर आया उन बकरियों को पकड़ने के लिए, जैसे ही शेर गरजा, जैसे ही दूर से जो है इन भेड़ बकरियों को खाने के लिए शेर गरजा, तो जो इस शेर का बच्चा था वो जैसे ही आवाज सुना, उसने पानी पी रहा था, अपना चेहरा कहाँ देखा, अपना चेहरे का प्रतिबिंब देखा पानी में, उसको भी लगा जैसे वो दहाड़ रहा है ये लोग डर रहे हैं, वैसे चेहरा तो मेरा भी है, समझ रहे हैं क्या, वो पानी में चेहरा देखा सेम तो मैं वैसे हूँ, उसने भी वही पानी में रहकर बकरी वाली आवाज भूल गया और पानी के साथ ही खड़े रहकर बड़े तेज से दहाड़ा, आसपास जितनी बकरियां थी सब भाग गई। त
तब उसको ये एहसास हुआ, बोध हुआ कि मैं बकरी नहीं हूँ, इनके साथ में रहकर बकरी जैसे आवाज निकाल रहा था, मैं कौन हूँ, शेर का बच्चा हूँ, मैं शेर हूँ, है ना। ठीक, आज यही दशा हम सब लोगों की, हम लोग शेर हैं मगर कैसे ना, असभ्य संस्कृति में रहकर बकरी हो गए हैं। अब आज जरूरत है ना अपने लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए कि हम शेर का बच्चा, और शेर तभी हो सकते हैं जब हम लोग शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे सत्य को पाने के लिए। बाकी थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी का हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अब मैं